फिर से प्रयास करने से घबराना नहीं चाहिए, इस बार शुरुआत 0 से नहीं, अनुभव से होगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ शालिका ठाकुर, लेकर एक बार फिर से हाजिर आप सबके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो दोस्तों, भारत में क्या कुछ चल रहा है वो आपको हर रोज हम बताते हैं, इसी के साथ आपके मन में इस कार्यक्रम के लिए क्या चल रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और बताते हैं आपको सबसे पहले आज का इतिहास। 1232 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आज के दिन कब्जा किया था। आज के दिन 1981 में पोलैंड में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आज के दिन 1996 में कॉफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए। और आज के दिन 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। आज के दिन 2003 में भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृह नगरी टिग्रीट के निकट गिरफ्तार किया गया था। तो ये थी इतिहास की बात। इतिहास से जुड़े रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इतिहास के बारे में हमें जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बताया जाता है इतिहास। इसी तरह हर रोज़ हम इतिहास की बात करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर, जिसमें देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में बताया जाता है। रुक करते हैं पहली खबर का। कृषि कानूनों के विरोध में वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे वाकया के दौरान खालिस्तान के झंडे भी नजर आए। इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो एक सवाल मन में, जो हर मन में शायद उठता होगा कि कहीं इस किसान आंदोलन को किसी और रुख की ओर तो नहीं वर्गलाया जा रहा, कहीं लोगों को गलत दिशा में तो नहीं भटकाया जा रहा। तो क्या है पूरी बात वो आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन का दौर जो है वो किसानों का जारी है और इसी कड़ी में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में भारत विरोधी तत्वों ने इसे भारत विरोधी रूप दे दिया। खालिस्तान अलगाववादियों के सदस्यों ने भारत के किसानों के प्रदर्शन का समर्थन तो किया, लेकिन इस समर्थन के साथ साथ वो ऐसी हरकत कर गए जिसकी निंदा जितनी मर्जी की जाए कम ही होगी। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन में कुछ सिख अमेरिकी युवा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को जो है वो नष्ट करने की कोशिश की गई, उस पर रंग पोत दिया। ग्रेटर वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र, मैरीलैंड और वर्जीनिया के आसपास के सैकड़ों सिखों के साथ साथ अन्य राज्यों जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहियो के सिखों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लेते हुए वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली। दर्शन बेशक किसानों के समर्थन में था और कृषि कानूनों के विरोध में था, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में देखने को मिली एक हिंसक विचारधारा जो कि ना किसी समुदाय के लिए अच्छी है और ना ही किसी देश के लिए अच्छी है। रुक करेंगे अगली खबर का और आपको बताते हैं कि आज के दिन जो है 19 साल पहले भारतीय संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया है। आपको बता दें कि बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर हमला कर धुआंधार फायरिंग की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया है। ट्वीट उन्होंने किया है कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम उन लोगों को और उनकी वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दिन को याद करते हुए 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन किया है। इसी के साथ पूरा देश आज उन वीर जवानों को याद कर रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नहीं थम रहा किसान आंदोलन, आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की चेतावनी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज 18वें दिन भी कड़क व्यक्ति इस ठंड में अपने प्रदर्शन को जारी रखा है। इसके बीच तमाम सीमाएं जो है उस पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर बैठे किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन सिंघू और टिकरी समेत अन्य जगहों पर प्रदर्शन अब भी जारी है। अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत ने सिंघू बॉर्डर पर 14 सितंबर को भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। इसके साथ ही किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद रखने की भी चेतावनी दी है। भले ही सरकार किसानों को हल्के में ले रही हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आंदोलन जो है, किसानों का आंदोलन जो लगातार पिछले 17 दिनों से चल रहा है, दिल्ली में किसान डटे हुए हैं। वहां पर बात करें विश्व भर की तो ये आंदोलन विश्व भर में सबसे बड़े आंदोलनों में से गिना जाने लगा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो कोरोना काल के बीच भी हिमाचल में सेना में भर्ती होने वाले लोगों की उम्मीदें जागी हैं, उन युवाओं की उम्मीदें जागी हैं जो जज्बा रखते हैं देश के लिए कुछ करने का। 1000 पदों पर भर्ती होगी सेना के जवानों की, तो देश सेवा का जज्बा पाले वीरभूमि हिमाचल के युवा सड़कों पर सुबह शाम दौड़ते नजर आते हैं, अपना पसीना बहाते नजर आते हैं। कांगड़ा ऊना हमीरपुर व मंडी जिला के कई क्षेत्रों में ऐसे युवा हैं जो अपना पसीना बहाते हैं, लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ युवा सेना में भर्ती हो सकें और उस भर्ती की तैयारी में वो कम उम्र में ही जुट जाते हैं और कम उम्र में ही वो अपना सपना पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन इस साल अब तक प्रदेश में सेना भर्ती आयोजित नहीं हो सकी। भर्ती के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ती है और कोरोना काल में ऐसी भीड़ जुटने पर प्रतिबंध है, लिहाजा युवाओं के उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आखिरी उम्मीद के साथ दौड़े कई युवा इस साल भर्ती में तय उम्र भी पार कर गए। इसी बीच शिमला स्थित 8 ट्रैक सैन्य प्रशिक्षण कमान के 4 रेजिमेंट के कर्नल तनवीर सिंह मान ने युवाओं में उम्मीद बंधा दी है। उन्होंने सेना में 1000 पदों की भर्ती की फाइल लेकर शिमला स्थित राज्य सचिवालय में चक्कर काटकर प्रदेश सरकार को भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मना लिया है। अब मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने से पहले ऊना व शिमला में भर्ती आयोजित होने का कार्यक्रम जारी रहेगा और इसी तरह से युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो हर रोज ये सपना देखते हैं कि एक दिन भारतीय सेना में हम भर्ती होंगे, उनके लिए जल्द ही अच्छा मौका जो है वो आएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हिमाचल में कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी सरकार आशा वर्कर्स को 2000 रुपये इंसेंटिव दे रही है। हिमाचल में 5000 से ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर और अस्पतालों में लगाई गई है। ये कर्मचारी बारी बारी कोविड मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों का खाना, दवाइयाँ, जरूरत का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी सरकार सिर्फ आशा वर्कर्स को ही इंसेंटिव दे रही थी, लेकिन अब जो है वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसी के साथ अब रुक करेंगे हम एंटरटेनमेंट की दुनिया का। तो सिद्धार्थ शुक्ला को तो आप जानते ही होंगे, बिग बॉस 13 की फेम रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 को अपने नाम कर लिया शो जीत कर और एंग्री मैन भी बन गए। उनकी इमेज जो है एंग्री मैन के रूप में झलक कर शो में सामने आई। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला का चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है और जिसमें वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और एक गरीब आदमी को पीट रहे हैं, ऐसा आरोप जो है वो वीडियो सामने आने के बाद उन पर लगाया जा रहा है। इस वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा मामला जो है उसकी कोई जांच नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। कि जो वायरल वीडियो है इसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसी बीच रुक करेंगे हम अब खेल खबरों का। तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो सीरीज होने वाली है उसके आयोजन स्थलों के चयन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए कार्यक्रम तय कर दिया और आयोजन स्थलों के साथ साथ पूरा शेड्यूल जो था उसका भी ऐलान कर दिया है। BCCI ने जो चयन किया है उसके सभी राज्य संघ खुश नहीं है। ऐसे में इस सीरीज के आयोजन स्थलों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई राज्य संघों ने आयोजन स्थलों के इस चयन को इस महीने होने वाले बीसीसीआई चुनावों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। यहां तक कि बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली के घरेलू राज्य के संघ ने आयोजन स्थलों के चयन पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सीरीज के 12 मैचों में से एक भी मैच उसे अलाउड नहीं किया है। खेल खबरों के बाद अब बात करेंगे हम सीधा आज के ज्ञान की। तो आज के ज्ञान में एक ज्ञान की बात जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बांग्लादेश में भी एक ताजमहल है और आपको बता दूं कि ये ताजमहल जो है वो हुबहू भारत का जो ताजमहल है उसकी कॉपी है। इसके साथ आज का सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? क्या है सही जवाब? दीजिए हमें जल्दी से सही जवाब, कमेंट कीजिए। और सबसे पहले जो कमेंट करने वाले हमारे लिस्टर होंगे, हमारे श्रोता होंगे, उनका नाम कल के शो में किया जाएगा अनाउंस। तो तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9118411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।